बुरहानपुर में एक अनूठा प्रयास एवं सराहनीय प्रयास किया गया है। बुरहानपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल सड़क पर उतरे और उन्होंने सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने वाले को गुलाब फूल दिया। यह सब देख लोग हक्का बक्का रह गए। दरअसल जिला विधिक प्राधिकरण सेवा नई दिल्ली द्वारा बुरहानपुर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला विधिक प्राधिकरण और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल सिंधी बस्ती क्षेत्र में पहुंचे और जो सीट बेल्ट और हेलमेट लगा रहे हैं उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया और साथ ही कहा कि आप शहर के जिम्मेदार नागरिक हो। इसी के साथ जिन्होंने सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाया था उन्हें यातायात नियमों की जानकारी भी दी। हमारे जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए चलाने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर उनके साथ ट्रैफिक सूबेदार हेमंत पाटीदार एवं ट्रैफिक जवान भी मौजूद रहे। आगे ले ना, आगे के निर्देशानुसार संपूर्ण नीचे लेना मांग। मध्य प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक एक पखवाड़ा आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आम जन को विधिक रूप से सशक्त एवं जागरूक करने के उद्देश्य से डोर टू डोर कैंपेन एवं विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाना है। इसी कड़ी में दिनांक 31 अक्टूबर से पूरे जिले में कार्यक्रम विभिन्न ग्रुप्स बना करके चालू हो गया है और हमने यातायात पुलिस से बात करी और निश्चित ही हमेशा लगा कि बुरहानपुर जिले में विधि का ज्ञान, इसका मतलब कर्तव्य का ज्ञान और आपके अधिकारों का ज्ञान। तो हमेशा हम विधि की बात करते हैं तो हमारे अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमारे कर्तव्यों का भी पालन करें, जिससे कि हम बुरहानपुर की सड़कों को आम जनता के लिए और भी ज़्यादा सुरक्षित कर पाएँ। जिसके चलते आज श्रीमान एडीजे सर के साथ में आज हमारी टीम यहाँ पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए निकली है, जहाँ हम लोगों से विनम्र निवेदन करने वाले हैं कि आप किन नियमों का पालन करके और सुरक्षित जो है यातायात व्यवस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके सहयोग से अन्य लोग भी सड़क पर सुरक्षित महसूस करेंगे।